नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SSC Solutions with अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम SSC CGL 2023 के CGL 2023 में जो पेपर हुआ था SSC का, उसके मैथ्स के क्वेश्चन डेली एक पेपर डिस्कस करते हैं। डेली के 25 क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे से करोगे तो आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे SSC CGL टायर 1 20 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर, ठीक है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, अ शॉपकीपर सोल्ड अ पेयर ऑफ टेलीफोन हेडफोन्स। एक शॉपकीपर था, एक दुकानदार था, उसने एक पेयर बेचा हेडफोन्स का। कितने रुपए में बेचा? 5520 में। देखो बच्चों, कोई चीज़ बेची जाती है उसको हम क्या कहते हैं, SP। कितने में बेची उसने? 5520 में बेची, एट अ गेन ऑफ 20%। देखो, अगर बात है 20% की, 20% कितना होता है? 20% होता है हमारा 20/100, ये हो जाएगा 1/5। कोई चीज़ 5 की थी, उसने क्या किया, 6 रुपये में बेच दी, ठीक है। उस 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5520। 6 की वैल्यू कितनी है? 6 की वैल्यू है 5520। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 36 6 8 48, ठीक है। 6 9 54, 6 2 12, 0। 1 की वैल्यू होगी 920, तो हम CP निकाल लेते हैं। CP आ जाएगा 920 × 5, ठीक है। 920 × 5 करेंगे 0, 5 2 10, 9 5 45, 146। मतलब जो पेयर ऑफ हेडफोन था उसका कॉस्ट प्राइस था 4600, उसने बेचा 5520 रुपये में, गेन ऑफ 20%। वट वुड हैव द बीन द गेन और लॉस इफ ही हैड बीन सोल्ड बाय रुपीज़ इतना। देखो, 4600 रुपये की चीज़ है, ठीक है। कितने में बेचूंगा? 4370 में। देखो बच्चों, इसने क्या कहा, 4600 रुपये का वो था, उसने बेचा कितने में? 4370 में। तो सबसे पहले उसको क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो गेन वाले तो दोनों कट गए, ठीक है। उसको क्या हुआ? घाटा हुआ। कितने का घाटा हुआ? 230 रुपये का घाटा हुआ। कितने पे हुआ? CP पे, मतलब 4600 पे गुणा में 100, ठीक है। 20 से 20 चली गई, 23 एकम 23, 23 2 46, 2 5 10, उसको कितने का लॉस हुआ? उसको 5% का लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, इन अ सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वॉज 18,000। इसने बोला किस साल में जो पॉपुलेशन है किसी शहर की वो 18,000 है। इफ़ इन द नेक्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 5%। देखो बच्चों, यहाँ मेल लिख लेते हैं, 5% इंक्रीज हुए। फीमेल इंक्रीज हुई 7%, ठीक है, 7 लिख लिया। एंड द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज कितनी? 119,200, ठीक है। देखो, मेल इंक्रीज हुए 5%, फीमेल इंक्रीज हुई 7%, ओवरऑल कितने हुए? 19,200 इंक्रीज हुए। पहले कितनी थी? 18,000 थी। तो अगर इसमें से मैं 18,000 घटा लूँ तो ओवरऑल कितने इंक्रीज हुए मेरे? 002, 1200 इंक्रीज़ हुए। परसेंटेज में निकालूंगा तो 1200 कितने में इंक्रीज़ हुए बच्चों? 18,000 में, 18,000 गुणा में 100, ठीक है। 20 से 20 गई, 10 से 10, 6 3 18, 6 2 12, 0, 20/3। देखो, मेल इंक्रीज़ हुए 5%, फीमेल इंक्रीज़ हुई 7%, तो ओवरऑल कितना इंक्रीज़ होगा? ओवरऑल इंक्रीज़ होगा 20/3, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा देते हैं? 20/3 लिख दिया, ठीक है। इसमें मिक्सचर एलिगेशन लगा देंगे, 3 ऊपर चला गया। देखो, 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ आएगा 15, ठीक है। ये 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ आएगा 21, और बीच में आएगा आपका 20। इसका निकाल लेते हैं रेशो, ये 1, ये रेशो 5, तो 1:5 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, एक इनलेट पाइप है, ठीक है। एक इनलेट पाइप है जो क्या करती है, किसी खाली टैंक को 120 घंटे में भर देती है। मैंने मान ली मेरी इनलेट पाइप किसी खाली टैंक को 20 घंटे में भर देती है। इनलेट पाइप भर रही है तो इसको हम मान लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। एन आउटलेट पाइप ड्रेन्स अ कम्प्लीटली फिल्ड टैंक इन 54 आवर्स। एक आउटलेट पाइप है जो खाली कर रही है, आउटलेट को माइनस मान लिया क्योंकि ये खाली कर रही है 54 घंटे। देखो भाई, इनलेट पाइप तो भरती है और आउटलेट पाइप क्या करती है? खाली करती है। तो इनलेट पाइप भरेगी 120 घंटे में, खाली करेगी 54 में। LCM ले लेंगे, इसका LCM आ जाएगा 1080, ठीक है। 12 निम्मा 108 और 54 दूनी 108, तो ये आ गया कि इनलेट पाइप जो है एक घंटे में 9 लीटर पानी भरेगी और आउटलेट पाइप एक घंटे में 20 लीटर खाली करेगी। तो ओवरऑल दोनों को अगर हम चालू कर दें तो वो कितना करेगी? 11 लीटर खाली करेगी। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है इफ 8 इनलेट पाइप्स आर देयर, 8 इनलेट पाइप हैं तो 9 × 8 कर देंगे, ठीक है।
एंड 3 आउटलेट पाइप, 9 8 कितना हो गया 72, और 3 आउटलेट पाइप है मतलब 20 3 60। ठीक है, देखो 1 मिनट में 72 लीटर पानी भरा जा रहा है और 60 लीटर खाली हो रहा है, तो 1 मिनट में सिर्फ 12 लीटर पानी भरा जाएगा, और टोटल कितने का अपना टैंक 1080 लीटर का, 12 लीटर भरा जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 2 12, 6 6 6 6 48, 0 और 2 80 90, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिर्फ हमने ये देखना था कि इनलेट जो है वो पाइप भरता है और आउटलेट पाइप खाली करता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साइन एक्स की वैल्यू दे दी 3/10। देखो सबसे आसान तरीका है ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमने एक्स मान लिया, देखो ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो 3 क्या है अपने पास, परपेंडिकुलर है, बेस कितना है 10, तो हाइपोटन्यूज कितनी हो जाएगी अंडर रूट 10 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर। ठीक है, सॉरी हाइपोटन्यूज है अपने पास 10, बेस कितना आ जाएगा 10 का स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर, तो 100 - 9, बेस आ गया अपने पास अंडर रूट 91। ठीक है, हमसे पूछा गया है 10x, 10x क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10x क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस है अंडर रूट 91। ठीक है, प्लस कोट एक्स क्या हो जाता है उल्टा अंडर रूट 91/3, एलसीएम ले लेंगे ये आ गया 3√91। अगर हम एलसीएम लेंगे तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, रूट 3 से 3 से करूंगा तो 9, और √91 × √91 आ गया 91, ये आ गया 100/3√91, 100/3√91, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मार्क प्राइस ऑफ ए फ्रॉक इज 4500। देखो मार्क प्राइस कितना है 4500, उसको बेचा गया है कितने में 2400 में, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0 0, 5 में से 4 गया 2100। ठीक है, उसने क्या किया 2100 का डिस्काउंट दिया, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट अगर 20% है तो सेकंड कैसे होगा। देखो इसका आसान मेथड है, ऐसे कर लेते हैं, पहला डिस्काउंट है 20% का, 20% का है, 20% होता है 1/5 मतलब 5 से 4, दूसरा परसेंट मान लिया मैंने, दूसरा डिस्काउंट x से y। ठीक है, ये हमारा MRP होता है, MRP कितना दे रखा है 4500। ठीक है, ये हमारा SP होता है, SP कितना दे रखा है 2400। ठीक है, 2 0 से 2 0 चली गई, 5 5 45, 4 6 24, 3 2 6 3 3 9, मतलब क्या डिस्काउंट दिया 3 से 2 का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया 1 का, कितने पे 3 पे गुणा में 100। ठीक है, ये आ जाएगा 33 सही 1/3, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 11। देखो 11 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया था, क्या था, देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है जैसे 9 7 1 7 4 है, तो सबसे पहले इवन इवन ले लेते हैं या ओड ओड ले लेते हैं, ओड ले लिए 9 और 1 10 10 और 4 14, 14 - 7 में से 7 गए 14, तो ये हो जाएगा 0, या तो वो क्या हो 11 से डिविजिबल हो, या उसका आंसर क्या हो 0 हो, तभी वो क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है 2 ट्रेन जिनकी लेंथ है 130 और 120। देखो 2 ट्रेन है तो दोनों ट्रेन की लेंथ क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे डिस्टेंस के लिए। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड कर दी 130 और 120, ये होगी हमारे पास लेंथ 250 मीटर। ये बराबर है रनिंग ऑन द पैरेलल लाइंस इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में क्या होता है रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है, एक स्पीड 40 थी एक 50 थी, तो ये होगी 10 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में करूंगा तो किलोमीटर से मीटर पे, तो 5/18 इनटू हमें निकालना है टाइम, तो ये टाइम आ जाएगा 18 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 10 × 5। ठीक है, 10 5 50 50 5 25 और 18 5 90 सेकंड हमारे पास सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, अगला क्वेश्चन कहता है द स्क्वेयर ऑफ 2 गिवन नेचुरल नंबर्स आर इतना, मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर दे दिया हमें, कितना दे दिया 784। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर दे दिया 784, और एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा अपने पास 784 का रूट करूंगा 28 आ जाएगा। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, प्रोडक्ट दे दिया, ए बी दे दिया हमें 192, हमें क्या निकालना है फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द स्क्वेयर ऑफ 2 गिवन नंबर, हमें निकालना है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये हमें निकालना है फाइंड आउट करना है। देखो भाई
अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये कैसे निकलता है, एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई हमारे पास 28 है, तो एक्स माइनस वाई कैसे निकालूँगा, एक्स माइनस वाई निकालते हैं हम अंडर रूट ऑफ 28 का क्या हो जाएगा स्क्वेयर माइनस 4ab। ठीक है, माइनस 4ab, ab क्या हो जाएगा अपने पास 28, 28 चौक कितना हो जाएगा 768, तो 784 माइनस 768 ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 16, अंडर रूट ऑफ 16 कितना आ गया 4। ठीक है, देखो अब x प्लस वाई कितना आ गया था अपने पास, x प्लस वाई आ गया था अपने पास 28, और x माइनस वाई कितना आ गया अपने पास 4, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 28 इंटू 4, 8 चौक 32, यूनिट डिजिट होगा 2 और 28 चौके होता है 112। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये कहता है sec square 90 माइनस थीटा। देखो sec square 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, cosec थीटा, तो ये आ जाएगा cosec square थीटा। ठीक है, अब देखो cosec square थीटा माइनस cot square थीटा डिवाइडेड अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वेयर 35 प्लस साइन स्क्वेयर 55, इसको चेंज कर दूंगा, साइन 90 माइनस 55 cos 55 और साइन स्क्वेयर 35 प्लस cos स्क्वेयर 35 1, तो नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1। कोस स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा क्या होता है अपने पास 1 बाय 2, ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 कहता है फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर ऑफ 484 दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर। 484, सबसे पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो कैसे होगा, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 4, फिर होगा 2 × 1, 2, 2 × 4, 2 × 1, 2, फिर क्या हो जाएगा 11 का स्क्वेयर 121। तो सबसे पहले क्या आएगा अपने पास 2, उसके बाद अपने पास क्या आया 11, उसके बाद अपने पास क्या आएगा 1 भी परफेक्ट स्क्वेयर होता है और 484 भी परफेक्ट स्क्वेयर है, इन चारों को ऐड कर दो, 2 + 11 + 1 + 484। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 11 और 11, इन सभी को ऐड करेंगे, 4 + 121 + 1 + 484, 4 और 1 5, 6, 6 और 4 10, यूनिट डिजिट 0, 610 हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टडी द बार ग्राफ, इसको पढ़ो, फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ ईयरफोन फ्रॉम 2017 से 2020। 2017 में कितना था 49.7, 2020 में कितना है 84, कितना इंक्रीज हुआ है 84 माइनस 49.7 अपॉन में कितना आ जाएगा 49.7 इंटू 100। ठीक है, देखो 49.7 को मैं लिख लूँ 50, अप्रोक्सीमेट निकालते हैं, 49.7 को क्या लिख लिया हमने 50 लिख लिया। ठीक है, अब 84 में से 49.7 घटा देंगे, अगर मैं 84 में से 49.7 कम करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा 34.3। तो इसको मैं लिख लेता हूँ अप्रोक्सीमेट 34 × 100, 50 × 100 और 34 × 68। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में 68 के पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए 69 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62। अगला क्वेश्चन कहता है C1 and C2 आर द 2 कोसेंट्रिक सर्कल, 2 सर्कल हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोसेंट्रिक सर्कल होता क्या है। देखो कोसेंट्रिक सर्कल होता है जिसका केंद्र बिंदु एक हो, क्या हो, जिसका केंद्र बिंदु एक हो, देखते हैं। देखो कोसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका केंद्र बिंदु क्या हो, एक हो। देखो भाई बना ही लेते हैं इसको, कोसेंट्रिक सर्कल मान लो एक सेंटर है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, जिनका केंद्र बिंदु एक हो वो क्या होंगे, कोसेंट्रिक सर्कल होंगे। इसने बोला ये मैंने मान लिया C1 है, ये मैंने मान लिया C2 है, C1 and C2 आर द 2 कोसेंट्रिक सर्कल जिनकी रेडियस C2 की है लेस देन C1 से, इफ AB इज़ द कोर्ड ऑफ लेंथ C1, अगर ये AB एक कोर्ड है, ठीक है, AB कोर्ड है जो C1 पे टच करती जाती है, इसकी अगर लेंथ 12 है तो हमें AP की लेंथ बतानी है। ठीक है, ये P पॉइंट है, कोई इसको टच करता है, देखो ये सेंटर है, सेंटर से अगर मैं सर्कल पे टच करूँगा तो ये क्या होगा, इन दोनों को इक्वल भागों में बांट देगा। AB पूरी कितनी है अपने पास, AB पूरी है 12, तो हाफ ऑफ कर देगा, मतलब AP भी 6 और PB भी 6, हमसे AP पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इन टर्म्स ऑफ रेडियस। रेडियस के टर्म्स में निकालना है तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू एल इंटू आर, ठीक है, लेंथ इंटू रेडियस। तो हाफ क्वेश्चन में बोला था लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज थ्री टाइम्स द रेडियस, तो एल की जगह लिख लेंगे तीन आर इंटू आर, तो ये चला जाएगा मेरा तीन आर इंटू आर मतलब तीन आर का स्क्वेयर बटे दो, ठीक है, तीन बटे दो क्या हो जाएगा हाफ, तो 1.5 आर स्क्वेयर हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 27 मेंबर्स। 27 मेंबर हैं जिनकी एवरेज एज किसी ग्रुप में कितनी दे रखी है, देखो मैंने मान ली एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज 27, एक्स थे उस ग्रुप में, ठीक है, उनकी एवरेज एज कितनी है, एवरेज एज दे रखी है 27। इफ़ फोर न्यू फ्रेंड्स, तो चार नए फ्रेंड आ गए जिनकी एवरेज एज कितनी है 25 है, जो बराबर हो जाएगा द एवरेज एज ऑफ एंटायर ग्रुप बिकम्स 26। तो पहले एक्स मेंबर थे फिर चार और आए और अब उनकी कितनी होगी 26, इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 27x प्लस 25 चौके 100 बराबर आ जाएगा 26x प्लस 26 चौके ये होता है 104, ठीक है। तो x इस तरफ और 4 इस तरफ, x की वैल्यू क्या आ गई 4, यही उसने पूछा था कि हाउ मैनी पीपल वर देयर इन द ग्रुप, तो उस ग्रुप में कितने मेंबर्स थे, 4 मेंबर्स थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफिकेशन का एल स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर। देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए प्लस बी मतलब एल प्लस एम इंटू एल माइनस एम हो जाएगा और डिवाइडेड में हो जाएगा एल प्लस एम का होल स्क्वेयर। होल स्क्वेयर से क्या कट गया हमारा, ये कट गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा एल माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोसेक 2910 2910, ठीक है। देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको हम 360 की फॉर्म में ले लेते हैं, इसको क्या लिख सकता हूँ 360 into 8, ठीक है, 360 into 8 कितना हो जाता है मेरे पास 2880, और इसमें अगर मैं 30 ऐड कर दूँ तो मेरे पास कितना बन गया, 30 ऐड कर दिया तो मेरे पास बन गया 2910। 360 की फॉर्म में क्यों लेके आया, 360 की फॉर्म में इसलिए लेके आया ताकि इसको मैं सोल्व कर सकूं, तो ये मेरा कितना हो जाएगा कोसेक थीटा, तो ये आ जाएगा मेरा कोसेक 30, ठीक है, आया समझ में, ये कितना आ जाएगा कोसेक 30, इसको क्या लिख सकता हूँ कोसेक 30। ऐसे ही सेक 4260 को चेंज करूँगा तो 4260 कितना होगा अपने पास 360 की टर्म में, 360 into 12 - 60, तो वो हो जाएगा हमारे पास sec 60, प्लस का कितना हो जाएगा sec 60। ऐसे ही 10 को चेंज करेंगे तो आ जाएगा 10 45, और cot को चेंज करूँगा तो वो आ जाएगा माइनस का cot 45, माइनस cot 45 प्लस 10 45, ठीक है। उसके बाद cosec 30 कितना होता है 2, और ये कितना होता है 2 2 + 2 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन थी क्योंकि सभी को 360 की टर्म में चेंज करो फिर उसके हिसाब से इनको सॉल्व करता, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। देखो इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये कितना दे रखा है इसने 405 बराबर ए प्लस बी प्लस सी है 15/2, और ये वैल्यू हमने यहाँ निकालनी है, तो ये हो जाएगा 405 इंटू 2, नीचे आ जाएगा 15 15 दूनी 30, ठीक है, बच गया 5 3 15 5 8 40 5 1 5 27 3 81 और 27 2 54, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है राधिका हैज़ ओन्स 2 डॉग। राधिका के पास 2 कुत्ते हैं 3 रैबिट हैं 4 पैरेट हैं एज पेट्स। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ रैबिट, रैबिट कितने हैं 3 रेशो में, और नंबर ऑफ पैट कितने हैं 4 3 7 और 2 9, तो 3 रेशो 2 मतलब 1 रेशो 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन कहता है PT इज़ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। एक सर्कल है, ठीक है, PT एक टेंजेंट है, T इज़ द पॉइंट ऑन सर्कल, ठीक है, PT क्या है एक टेंजेंट है। मैंने मान लिया ये मेरा पॉइंट P है, ये PT है, ये P, ये T टेंजेंट है किसी सर्कल पे। PT की वैल्यू कितनी दे दी गई है 12 दे दी गई है, ठीक है, एंड डैश सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। ये मैंने सेंटर O दे दिया गया है, ठीक है, ये सेंटर O, ये हमारे पास 90° फॉर्म करता है, ठीक है, एक मिनट रुको कुछ कन्फ्यूज़न, हाँ ये रहा, देखो पूरा क्वेश्चन नहीं था, दोबारा देख लेते हैं। एक सर्कल है,
ठीक है। एक टेंजेंट है पीटी, ये मैंने टेंजेंट मान ली पीटी, ठीक है। पीओ कितनी दे रखी है हमें 13, ये दे रखी है 12, ये इस पे 90 डिग्री आएगा, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो रेडियस क्या आ जाएगी 5, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए एंड बी, ए और बी जो है इंडिविजुअली कैन कम्प्लीट अ पीस ऑफ वर्क, ए किसी काम को 18 दिन में कर देता है, बी उस काम को 30 दिन में कर देता है। एलसीएम ले लेते हैं 90, 18 पंजे 90 और 30 दिया 90। उसने बोला ए एंड बी स्टार्टेड, ए और बी क्या करते हैं एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। बट ए लेफ्ट 16 2 बाय 3 को 16 3 48 और 2 50 बटे 3, ठीक है, वो इतने दिन पहले काम ख़त्म कर देता है। मैंने माना कि ए प्लस बी मिलकर टी टाइम तक काम करते हैं, ठीक है, प्लस में। फिर इतने दिन काम किसने किया, ए तो चला गया था, इतने दिन काम किया बी ने, मतलब 50 बाय 3 इंटू बी, और ये बराबर है टोटल वर्क 90 के इक्वल। तो ए प्लस बी, ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा, तो 5 और 3 8 टी, प्लस इस बी की जगह 3 रख दूँ, 3 से 3 कट गया, प्लस का 50 बराबर 90, 90 माइनस 50 40, 8 टी की वैल्यू कितनी आ गई 40, और टी की वैल्यू कितनी आ गई 5। यही हमने निकालना था कि ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है बोट एंड स्ट्रीम का। देखो बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन क्या कहता है, ए बोट कैन गो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई, डाउन स्ट्रीम की होती है यू मान ली मैंने, ठीक है, प्लस 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई, तो 40 बटे वी, ठीक है, बराबर कितना टाइम लिया 12 घंटे 20 मिनट, मतलब 12.5 को लिख सकता हूँ 125 बटे 10, ठीक है। ये है इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 84 बटे यू, प्लस 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम 63 बटे वी, बराबर 18 घंटे 54 मिनट, ये हो जाएगा 189/10, ठीक है। ये है इक्वेशन सेकंड। हमने क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है नियरेस्ट बोट की, ठीक है, हमने वैल्यू निकालनी है किसकी, यू की। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो भाई दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 7/5 से, तो ये हो गया 12 5 60, 12 7 84, 84 बन गया, दोनों सेम हो गए, कटेंगे। देखो अब अगर मैं 5/7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ गया 84 बटे यू, ठीक है, और ये कितना था हमारे पास 63 बटे वी, और ये बराबर था 189/10, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 84 बटे यू प्लस 56 बटे वी, बराबर हो जाएगा 115/10, ठीक है। सोल्व कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, 56 में से 63 गए, 7/V बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा 14/10 के, 7 × 14, 2 × 5 = 10, वी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अगर वी की वैल्यू आ गई तो यू की वैल्यू अपने आप निकाल लेंगे 9, यू की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो यू की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट दैट क्वालिफाइड फ्रॉम गोवा ओवर दैट ऑफ दोज अपीयर्ड फ्रॉम गोवा इज हाइएस्ट इन द ईयर, ठीक है। सबसे पहले देखो ऑप्शन वाइज देखेंगे हम, 2013, 14, 12, 15, सिर्फ इनका देखेंगे, 13 देखो, 14, 12 और 15, ठीक है, 16 का नहीं देखेंगे, 16 को पहले ही काट देते हैं, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट, देखो अगर मैं बात करूँ 2012 की, 2012 में गोवा के देखें तो 810 क्वालिफाई हैं, टोटल कितने हैं 7800 × 100, ठीक है। ऐसे 2014 में देखेंगे, 2014 में है 920, कितने में 8800 × 100, ठीक है। उसके बाद 2014 में देखेंगे, 2015 में, 15 में कितने आएंगे 850/7200, 850/7200 × 100, अब इनको सोल्व कर लेंगे, जिसमें हाईएस्ट आएगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8/7 times ऑफ इटसेल्फ, एक सम ऑफ मनी है, देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100, ठीक है। देखो अब कोई प्रिंसिपल था मेरे पास P, R रेट थी, टाइम कितना है 2 साल/100, ये किसके बराबर है 8/7 ऑफ इटसेल्फ, तो प्रिंसिपल का कितना है 8/7, ये अमाउंट है तो माइनस करूँगा प्रिंसिपल, तो 8P/7P-P, ये हो जाएगा हमारा P/7, P/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये नीचे आ गया 50, ठीक है, तो
तो ये आ गई पी आर बटे 50। ठीक है, पी से पी कट गया, आर की वैल्यू आ गई 50/7, तो 77, 49 और 1 50। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 3 क्यूब्स विद साइड, 3 क्यूब है जिनकी साइड है 3, 4 और 5 आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब जिसका डायगनल है इतना। ठीक है, देखो भाई 3 क्यूब दे दी, 3 क्यूब की साइड दे दी 3, 4, 5। इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, a1 का क्यूब + a2 का क्यूब + a3 का क्यूब, ये बराबर दे रखा है बड़े a के क्यूब के, जो सिंगल क्यूब बनाया है उसका। तो 3 का स्क्वायर करूँगा, 3 का क्यूब करूँगा, 3 × 3 = 27x³, ठीक है, +4 का करूँगा 64x³, +5 का करूँगा 125x³, ये बराबर हो जाएगा कैपिटल A के क्यूब के बराबर। इन सभी को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 216x³ = a³। क्यूब से क्यूब काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 6x। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6x, और इसका क्यूब कितना होता है a√3। ठीक है, तो 6√3 बराबर दे रखा है 8√18√3 के, √3 से √3, 6 × 3 = 18, मतलब x की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ पे रख लीजिए, 3 × 9, 4 × 3 = 12 और 5 × 3 = 15, 9, 12, 15 हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आज का आखिरी क्वेश्चन, इफ़ 1 man, 2 women और 3 boys, देखो 1 man बराबर है किसके, 2 women के, बराबर है 3 boys के। ठीक है, अगर तीनों इक्वल हैं तो हम क्या ले लेते हैं, LCM ले लेते हैं, LCM आ गया 6, मैन की एफिशिएंसी 6, 2 × 6, वुमेन की 3 और बॉयज़ की 2। ठीक है, उसके बाद इसने बोला अगर ये एक काम को 121 दिन में ख़त्म कर देते हैं, टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 6 × 121। ठीक है, इन हाउ मैनी डेज विल 1 man, 1 woman and 1 boy, तो 6, 3, 9, 9 और 2, 11, तो 121 × 6/11 कर देंगे, 11 का स्क्वायर 121, 11 × 6 = 66, 66 दिन में वो उस काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हमारी आज की शिफ्ट हुई कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल SSC Solutions विद अनुज को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सोल्ड PDF मिल जाएगी, रिवीजन के तौर पर उसे वहां से डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।